प्यारे व्यास बुलंदशहर के नौजवान हैं, छोटे भाई हैं हरदिल अजीज मोहम्मद बिलाल भाई, जो कि इंजीनियर हैं बीडीएम में यहाँ पर, और माशाल्लाह बहुत क्लाइंट हैं। बुलंदशहर सिटी की बात करें तो कई हज़ार यहाँ पर बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी कोठियों के नक्शे बना चुके हैं माशाल्लाह, और कंसल्टेंसी दे चुके हैं, लगातार निरंतर सेवा में समर्पित हैं बुलंदशहर वासियों के लिए। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खैर मकदम है आप सभी का, क्या कहना चाहेंगे आज थोड़ी सी? मैं कहना चाहूँगा कि जो बारिश की वजह से जो आज मुशायरे का जो प्रोग्राम था उस पर बारिश का बहुत असर पड़ा है, और पहली बार मैंने देखा, तकरीबन 25 साल से मैं लगातार मुशायरा सुन रहा हूँ, तो आज जो है जितनी कम सामईन थे ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लेकिन बिलाल भाई वाकई में बारिश भी शदीद हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, मगर बारिश ने खेल खराब कर दिया दो दिन से। सही बात है, नहीं बहुत बढ़िया चल रहा था मामला। एनसीआर की बात करें, देखिए तो पूर्वांचल की बात करें सोनभद्र, वहाँ तो इतना ओला वृष्टि हुई है कि तमाम बुरा हाल पड़ा हुआ है, पर ऊपर वाले का आगे क्या कर सकते हैं। सही बात है, जैसे ऊपर वाले की मर्जी ऐसे चलना पड़ेगा नीचे वालों को, तो सही बात है क्या? नहीं, और बिलाल भाई क्या कहना? बारिश, बच्चों को घुमाया इससे पहले? हाँ, इससे पहले एक बार बच्चों घुमा के ले गए, झूले झुलाए। हाँ, झूले भी झुलाए, आइसक्रीम खिलाई बच्चों को, आइसक्रीम भी खाई। आइसक्रीम तो यहाँ जो है सॉफ्टी के लिए लोग इंतजार करते हैं पूरी साल का, कि नुमाइश में ही सॉफ्टी खाई जाएगी, और खास तौर से खन्ना सुपर सॉफ्टी जो कि फेमस है। पिछले जब से हमने होश संभाला है तब से हम उससे सॉफ्टी देखते हुए आ रहे हैं, और मुशायरा भी जो है लगभग 20-25 साल से हम सुन रहे हैं, मगर इस बार जो है मायूसी बहुत ज्यादा हुई बारिश की वजह से। चलिए, और बारिश का बहुत बड़ा नुकसान चारों तरफ। तो बिलाल भाई, कोई भरपाई हो इसकी, कुछ और इवेंट हो जाए यहाँ पे मुशायरे के साथ साथ, और इवेंट ताकि मेकअप हो जाए बुलंदशहर की जनता। नुमाइश में इवेंट भी करने से कोई कुछ हासिल होना मुश्किल नजर आ रहा, क्योंकि आगे रमजान का जो त्योहार है वो शुरू होने वाला है। बात सही है, बहुत बड़ा, लेकिन तरावी के बाद आ सकते हैं लोग, नौजवान खासतौर से। बिलाल भाई आपसे छोटे, पूरे दिन का जो हरा थका इंसान, नौजवानों में तो बड़ा जोश होता है, वो तो आ जाते हैं अमूमन, आ जाते हैं और आते हैं, पिछली बार भी आए हैं लोग तरावियों के, उम्मीद है कि आ जाएंगे, मगर मौसम ने बहुत बड़ा रोल अदा कर रखा है, जो कि आगे भी 24 तारीख तक मौसम को जो खराब बताया मौसम विभाग ने, उससे बहुत बड़ा असर नुमाइश पे इस बार जो है नुमाइश पे, वो उम्मीद है जो कारोबारी लोग हैं वो बहुत हताश है। बिल्कुल, अच्छा बिलाल ने बहुत अच्छी बात रखी आपने, बहुत महत्वपूर्ण, क्या बुलंदशहर प्रशासन और विशेष रूप से जिले के हाकिम सीपी सिंह जी डीएम साहब आगे इसको एक्सटेंड नहीं कर दें, क्योंकि दुकानदारों पर मरहम लग सके, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का सवाल है, क्योंकि 10 मार्च से 10 अप्रैल को समापन हो जाएगा, तो दो हफ्ते मिल जाए इनको, 10-15 दिन, ताकि इनकी जो है भरपाई हो जाएगी नुकसान की। देखिए, भरपाई तो नुकसान की, क्योंकि ईद के बाद में फिर मेला फिर अच्छा चलेगा, बढ़ाया जाता है, मगर उनकी भी प्रशासन की मजबूरी होती है, उन्हें भी टाइम नहीं, प्रशासन अगर चाहता है अवगत करा के शासन को, बिल्कुल उनके हाथ में है। ईद में बहुत बढ़िया चलेगा, इसका कोई जवाब नहीं, ईद के बाद बेहतर चल सकता है। क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते है की टाइम बढ़ा दिया जाए, तो ईद पे इनकी भरपाई होने की उम्मीद है, नुकसान की हमारे मेहमान है बुलंदशहर वासियों, इनकी उम्मीद है भरपाई होने की उम्मीद है इनकी, क्योंकि रमजान में तो इंसान रमजान रखेगा तो तरावी पढ़ के तो नहीं आ सकता यहाँ पे, तो इसलिए रमजान में कई बारिश से, बारिश भी बताने बिलाल भाई 24 तक जो है, तो डीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ईद के बाद में इसे जारी रखें, तो इनकी भरपाई होने की उम्मीद है। 15 और 16 अप्रैल तक इसको, 20 अप्रैल तक कर दिया जाए, 20 अप्रैल को समापन हो जाए। हाँ हाँ, जी जी जी, चलिए ईद के बाद तक रखें, 2-4-5 दिन, एक हफ्ते, चलिए तो इनकी भरपाई हो जाएगी। चलिए, ओके, वेरी गुड। और बिलाल भाई, ठीक है, चलिए शुक्रिया भाई।